वेलकम बैक टू माय वीडियो गेम। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे से होंगे और मार्केट में प्रॉफिट बना रहे होंगे। गाइस यहां पर आप देख सकते हैं हमने बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है और मैं आपको बीटीसी की अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूं। सो अभी थोड़े टाइम के लिए हम लाइव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो बिजी चल रहा है। ठीक है, अब पहले बार कर लेते हैं बीटीसी की बात। ठीक है, क्योंकि बीटीसी में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ है जो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है और डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगी मार्केट में आगे प्ले आउट करने के लिए। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम शुभ्रांत है और इस चैनल पर जिसका नाम है क्रिप्टो शुभ्रांत चौधरी, इस पर सिर्फ बात होती है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम, बाकी ऑल्टकॉइन। यहाँ पर आपको कॉल दी जाती है, लेवल्स दिए जाते हैं, वहाँ पर आप चाहें तो बाइंग लगा सकते हैं। बाकी एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। सो अगर आप कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी, सो अपनी पर्सनल रिसर्च पे करें। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में हुआ क्या, हमारा एक बहुत अच्छा चीज़ हुई हमारी बिटकॉइन में, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। तो बिटकॉइन में हमने जिस चीज़ का वेट था, ठीक है, वो चीज़ तो यहाँ पर हो गई है बिटकॉइन में। वो क्या हुआ था, वो यहाँ पर हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि अब हमारा ये जो एक साइडवे मार्केट है या एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, हम इसमें कब इसको ब्रेकआउट करते हैं। सो आज हमने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से इसे ब्रेकआउट किया और जो कि काफ़ी अच्छी बात है हम सभी के लिए, जितने भी आप ऑल्ट कॉइन होल्डर हो या बिटकॉइन होल्डर हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक बात मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, हमने अच्छे से ब्रेकआउट किया, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिली है कि जितनी बड़ी हमारी कैंडल थी, ठीक है, जितनी बड़ी हमारी ये वाली कैंडल थी, ठीक है, इतनी बड़ी हमारी ये वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं थी। ठीक है, तो यानी कि मतलब एक मोमेंटम अभी मार्केट में नहीं आ पाया जो कि मोमेंटम आना चाहिए था। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वॉल्यूम की कैंडल काफ़ी छोटी है, ठीक है, और ये जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ी है, यानी कि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर हमें एक डाइवर्जन मिला है। ठीक है, डाइवर्जन क्या होता है, जब भी प्राइस में और किसी मोमेंटम में हमारा सिमिलरिटी नहीं बैठती, ठीक है, हार्मनी नहीं बैठती, तो हम उसे डाइवर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल को, देखो आप कितनी बड़ी कैंडल है और यहाँ पर हमारी एक छोटी कैंडल है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी घबराने वाली बात है और एक पॉसिबिलिटी बनती है इससे कि हम बिटकॉइन के प्राइस में अभी ऊपर तो डेफिनेटली हमें बढ़ना है, लेकिन अभी हो सकता है कि हम थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक करें। पुल बैक का रीज़न क्या है, पुल बैक का रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम अच्छी देखने के लिए नहीं मिली जैसी कि हमें कैंडल में मिलनी चाहिए थी। और ये जो चार्ट है ये 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर इस वक्त जो प्राइस है बीटीसी का वो अराउंड 38,850 है। ठीक है, सो मैं क्या इसमें मेरी कहाँ ट्रेड है और डेफिनेटली मैं यहाँ पर कैसे प्ले आउट करने वाला हूँ मैं आप सभी को ये बता दूँ। देखो मैं वेट कर रहा हूँ पहले कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, ठीक है, या तो बिटकॉइन का प्राइस हमारा हिट करे इस लेवल को जो कि आपका ये वाला लेवल आप देखोगे तो ये वाला एक लेवल है। ठीक है, या तो इस लेवल को हमारा जो बिटकॉइन का प्राइस है वो हिट करे क्योंकि हमारा एक पहले एक रजिस्टर्ड के तौर पे काम करा हुआ है ऑलरेडी मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बार हमारी एक टाइम पर यहाँ पर डॉजी कैंडल भी बनी थी, यानी कि यहाँ पर इंडिसीजन मार्केट में कहीं ना कहीं आता है। तो मैं पहले वेट करूँगा या तो 40,000 हम क्लियर कर दें। ठीक है, अगर 40,000 पर यहाँ पर हमें कोई रेड कैंडल मिलती है किस जोन में, इस चैनल का देखो, यहाँ पर मैंने एक ना चैनल ड्रॉ करके रखा है आप सभी लोगों के लिए, ये हमारा एक चैनल है, इसमें हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर भी हिट करते हैं चैनल के अप साइड में, तो हो सकता है कि हम यहाँ से नीचे आएँ या जिस पॉइंट पर हम अभी बैठे हैं उससे हम नीचे आ सकते हैं। कहाँ तक, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा जो एक जोन दिखा रहा है मुझे, ठीक है, वो कहाँ तक, वो इस जोन में हम कहीं लैंडिंग करेंगे। ठीक है, ये जोन कितना है, ये जोन है आपका 37,000, या आप कह सकते हो 38 से लेके अराउंड 37,200, यानी कि ये 800 का हमारा एक जोन बनना है, ये आपका 38,000 से लेके 37,200। ठीक है, सो मैंने जो बाइंग है मेरी अब डेफिनेटली यहाँ लग रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर प्राइस एक बार टच करे और यहाँ से दोबारा से अप की साइड को रैली ले ले। ठीक है, और एक बात ये भी है गाइस, अगर आप इतने रेंज में भी आप प्ले आउट करना चाहते हो तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे प्ले आउट कर सकते हो इतने कम रेंज में भी। देखो एक जोन तो मैंने 38 से लेके 37,200 का बता दिया, यहाँ पर आप चाहो तो आप अपनी एक बैंक की पोजिशन लगा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में जाऊँ, ठीक है, जब तक हमारी ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, अभी यहाँ पर
पॉजिटिव तो मिल रहा है इंडिकेशन, ठीक है। एक सेकंड, मैंने मूव कर दी शायद, ठीक है। देखो एक सेकंड, हाँ देखो मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर आप इस लाइन को देख पाओ जब तक हम इसके ऊपर हैं, ठीक है। ये कौन सी लाइन है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली आप लाइन देख रहे हो, यहाँ पर रेजिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी, ये जो आप मिड लाइन देख रहे हो, ठीक है। जब तक हम इस मिड लाइन के ऊपर हैं तब तक आप चाहो तो एक लॉन्ग की पोजिशन डेफिनेटली इसमें खोल सकते हो, लेकिन ये जो पोजिशन होने वाली है डेफिनेटली बहुत ही रिस्की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में एक इंडिसेज दिख रहा है। और पॉसिबिलिटी पता है क्या पॉसिबिलिटी, अगर मैं यहाँ पर आपको 15 मिनट की चार्ट पे जाऊँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा डायनेमिक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, टीके का फायदा यही है कि हम डायनेमिक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि हम इस चैनल के इस चैनल में हम घूमें अभी, ठीक है, और यहाँ से हम स्ट्राइक करें और अभी थोड़ा सा ही हम यहाँ से नीचे आ सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक मेरी बाइंग जहाँ पर है मैं आपको बता दूँ, मेरी बाइंग है अराउंड आपकी 38,000 से लेके 37,200 के लेवल, ठीक है। बाकी अगर आप रिस्क ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर भी एक बाइंग लगा सकते हो, जो कि हमारा एक जोन बनना है यहाँ पर। ये उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर सिर्फ आएंगे मार्केट में, ठीक है, और बस जैसे ही यहाँ पर हिट हो प्रॉफिट हो निकाल लेना। ये जोन कितना, इस जोन की मैं बात करूँ तो ये अराउंड आपका 38,000 का लेवल है, 38,200, ठीक है। सो वही जोन आ रहा है हमारा इन दी एंड, ठीक है। 38,200 का एक लेवल है जहाँ पर एक कह सकती हो कि चैनल में यहाँ पर बनाती है और यहाँ से हमारा एक हिट करके ऊपर की साइड जा सकते हैं। बाकी अगर आप सेफ एंट्री देखने के लिए आए हो यहाँ पर, तो सेफ एंट्री मैंने आपको इस लेवल पर बताई थी कहीं पर, ठीक है। ये जोन देख लेना आप, सेफ एंट्री के लिए सबसे बेस्ट है ये आपका जोन है 38,000 से लेके 37,200 तक, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये हमारे जोन होने वाले हैं, इसमें हम डेफिनेटली प्ले आउट करने वाले हैं। जो रिस्क ट्रेडर हैं भाई, रिस्क ट्रेडर वाले ये वाला जोन उठा लेना आप, ठीक है। और जो आप सुकून से जीना चाहते हो, सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो भाई ये वाला जोन आपके लिए बनता है। यहाँ पर एक लॉन्ग आप लगा के रख सकते हो, यहाँ से हम डेफिनेटली हिट करके ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो ये रही आपकी बिटकॉइन की बात, और वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सिर्फ इतनी है, बाकी और पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा आगे कभी इन फ्यूचर, ठीक है। हो सकता है कि शाम को या कल को, ठीक है। वरना ये जो आपकी अपडेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, तभी आप मार्केट में बहुत अच्छे से प्ले आउट कर पाओगे। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।